दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर हम किस तरह कोडिंग डाल सकते हैं, किस तरह इसके अंदर हम डाटा डाल सकते हैं और साथ में हम बताएंगे कि हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से इस रिले मॉड्यूल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई टोटी बनानी हो या फिर कोई टैब बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो उसके बारे में आपको ज़्यादाकर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा वो वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे कि इसके अंदर हम कोडिंग डाल के इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से इस रिले मॉड्यूल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए ये जो है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके ऊपर एक VCC GND और एक को ट्रिगर लिखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार पिन्स हैं। दूसरा जो है मेरे पास एक रिले मॉड्यूल है, आप देख सकते हो, जिसके ऊपर एक GND ए वाला पिन GND का यानी कि निगेटिव का है और ये VCC लिखा है वो पॉजिटिव का है और बीच में का जो पिन है वो है इन का। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और दूसरा जो है मेरे पास आर्डिनो ओनो बोर्ड है जिसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ये जो यहाँ के पिन्स हैं, ये जो यहाँ के पिन्स हैं वो हैं पावर पिन। यहाँ पे देखिए पावर पिन लिखे, यानी कि हम यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट पावर इन कर सकते हैं या फिर आउट कर सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनालॉग्स पिन दिए गए हैं तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और यहाँ से सबसे जो मेन बात है ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। तो यहाँ पे लेके देखिए 0 से लेकर 13 तक पिन दिए, यानी कि 1 से लेकर 13 तक पिन दिए गए हैं और यहाँ पे एक हमें ग्राउंड मिल जाता है। तो चलिए अभी ज़्यादा कुछ बता देने, और देखिए अंधेरा में वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल तो है नहीं आपको कोडिंग समझाने के लिए, तो मैं आपको इसी मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से समझाऊंगा। तो देखिए कोडिंग करने के लिए हमें अभी दोनों को हटा देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे और फिर बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो मेरे पास एक डाटा USB केबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक USB केबल है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक USB केबल है। तो मेरे पास एक डाटा USB केबल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ ये जो USB केबल है तो इसको मैं ये जो अडाप्टर मिल जाता है हमें, तो इस अडाप्टर के अंदर बिठाऊंगा मैं कुछ इस तरह, तो ये उल्टा होगा शायद। तो ये जो अडाप्टर जो पिन है वो बैठेगा मेरे मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के अंदर। और दूसरा जो है एक तरफ ऐसा पिन देखने को मिलेगा आपको, ये जो पिन बैठेगा आर्डिनो बोर्ड के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पिन अभी हम क्या करेंगे हमारे चार्जिंग पोर्ट के अंदर डालेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से, थोड़ा सा HD में देख लो ताकि आपको पूरा साफ साफ दिखेगा। और आप इन दोनों के मदद से जैसा चाहे वैसे काम कर सकते हो, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। उससे पहले दोस्तों आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे एक आपको कोड दिया गया है तो उसको पहले आपको डाउनलोड करना है। अगर वो जिप फाइल में डाउनलोड हो जाता है तो उसको उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, दूसरे फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसी तरह कोडिंग डाल सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से आगे समझाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों आप जो भी ये जो कोडिंग डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर, आपके जो मेन जो मतलब इंटरनल स्टोरेज है आपके मोबाइल का उसके अंदर डाउनलोड जो फोल्डर है उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं आगे का प्रोसेस, अपलोडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले प्रोसेस है आपको अपने मोबाइल का जो नेट है वो ऑन कर लेना चाहिए। दूसरा जो आपको काम करना है कि आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है आर्डिनो। ये आर्डिनो आप सर्च करेंगे, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ फर्स्ट नंबर पे आएगा आर्डिनो ड्रॉइड। तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, मेरे में सबसे पहले इंस्टॉल ही है तो मुझे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको इस तरह क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक आपको काम कर लेना है कि मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया है तो उस कोड को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद वो आपको डाउनलोड दिखेगा आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर डाउनलोड किया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको मैं कहाँ पे डाउनलोड होगा, तो मैंने यहाँ पे खोल दिया, हमने फोल्डर जो है उसको खोल दिया। तो मैं आपको मेमोरी कार्ड के अंदर जाके दिखाता हूँ, तो इंटरनल जो हमारा स्टोरेज है तो वहाँ पे डाउनलोड जो फोल्डर है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक लाइट। तो ये जो है आपको इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, तो कुछ इस तरह फोल्डर आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं आता तो आप देख रहे हैं आगे एक जिप फाइल जो है, तो जिप जैसा अगर ऐसी जिप फाइल अगर डाउनलोड हो गई तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब तक आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो काम नहीं करेगा, आपके एप्लीकेशन के अंदर वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी फाइल आती है तो एक्सट्रैक्ट करके देखना है तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अभी दूसरी जो बात है आपको जाना है मेन
हमारे मोबाइल के अंदर। तो अभी देखिए जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की उसको आपको खोल देना है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ रही, मैंने इसको खोल दिया। फिर आपको एक अभी जो काम करना है तो एक जो हमारा जो केबल है वो आर्डिनो को जोड़ देना है। तो केबल का एक जो पोर्ट है वो आर्डिनो बोर्ड के एक पोर्ट के अंदर जुड़ेगा और दूसरा जो पोर्ट है हमारे जुड़ेगा मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के अंदर। तो मैंने देखिए ये जो पोर्ट है जो है वो कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए यूएसबी डिवाइस अटैच्ड एक मैसेज आ चुका है। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको अगली प्रोसेस क्या करना। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्केच पे ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे न्यू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू हो गया। फिर से एक बार आपको थ्री डॉट पे के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको बोल्ड टाइप के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको नीचे आर्डिनो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको आर्डिनो उनो पर ही सिलेक्ट रखना है। अगर ये कुछ इस तरह सिलेक्ट रहेगा तो ये आपका कोड अपलोड नहीं होगा। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। फिर इससे जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में बोल्ड टाइप के अंदर आर्डिनो, आर्डिनो के अंदर ऊपर जो सबसे पहले ऊनो जो है, क्योंकि हमारे पास ऊनो का बोर्ड है, आर्डिनो ऊनो का बोर्ड है, तो आर्डिनो ऊनो सिलेक्ट करना है। ओके, ये पहला तो काम हो गया। अगर आपके पास माइक्रो है तो CS3 वगैरह कुछ तो होता है उसके लिए अलग है, वही सेटिंग के अंदर आपको बोर्ड टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो तभी ये काम आपका हो पाएगा। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है, स्केच के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर आपको ओपन के अंदर क्लिक कर लेना है। तो फिर आपको फ्रॉम द डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है कि ऊपर जाना है कुछ इस तरह आपको। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके ऊपर आपको सबसे जो पहला नीचे दिखा है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके एक ऑप्शन आ चुका है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये जो कोड है, तो देखिए ये जो कोड है तो हमारे मोबाइल के ऊपर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको चेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। और फिर अगली जो प्रोसेस है, आपको यहाँ पे एक चिन्ह दिख रहा है, ये जो कंपाइलेशन का चिन्ह है, इसको कंपाइलेशन करना होगा पहले आपको, यानी कि आपको डाटा सही कि नहीं देखना है, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए वो देखेगा कि हमारा जो डाटा है बिल्कुल सही है या नहीं, वो पहले चेक करेगा। नहीं तो हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए डाटा चेक करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो मैंने डाटा चेक कर लिया, तो यहाँ कंपाइलेशन फिनिश हो चुका है क्योंकि हमारा जो पूरा डाटा है बिल्कुल सही है। तो बाद में उसके साइड में आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका जो कोड है आपके आर्डिनो बोर्ड के अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर ये एक बार में डाउनलोड नहीं होता, देखिए अभी ये डाउनलोड नहीं हो चुका है, तो इसको बार बार डाउनलोड करती रहिए जब तक नहीं होता तब तक। तो एक ना एक बार तो डाउनलोड हो ही जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोड डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आपको क्या कर देना है कि आपके जो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ये सभी जो उपकरण हैं वो सबसे पहले हटा देने हैं। तो मैंने तो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर सभी उपकरण हटा दिए। तो फिर से एक बार मैं इसको कोशिश करूँगा डाउनलोड की, तो फिर भी नहीं हो रहा। फिर से हम देखेंगे कहीं हमारा जो पिन जो है, केबल जो है, वो सही से बैठा है कि नहीं, वो देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्केच अपलोडेड बोल के एक मैसेज आ चुका है। तो बहुत देर करने के बाद फिर अपलोड हो गया, तो आपको कुछ इस तरह कर देना है। तो यहाँ पर का जो अपलोड आपका जो प्रोग्राम है पूरा अपलोड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अभी जो अगली बात करते हैं कि ये कैसा वर्क करता है, अभी वो बात करेंगे। पहले आप वो देख लो, फिर आगे की बात कर लेंगे हम। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने आर्डिनो बोर्ड के अंदर एक पोर्ट लगा के इसके अंदर, और दूसरा जो पोर्ट है मैंने मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के अंदर लगा के इसके अंदर अभी डाटा अपलोड किया है। अभी बात करते हैं कि ये जो दो सेंसर हैं हमारे पास, एक है अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक है रिले मॉड्यूल, तो इसको अभी इस आर्डिनो बोर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VCC और GND लिखा है और यहाँ पर भी VCC और GND लिखा है, तो ये दोनों भी हैं जो 5 वोल्ट पे चलेंगे। तो दोनों का भी मैं VCC और GND सबसे पहला मैं एक कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों को भी 5 वोल्ट की पहला मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास वायरिंग जो है पहले से अवेलेबल है, मैं इस आर्डिनो बोर्ड को हटा देता हूँ। उसके लिए मेरे पास पहले से ही वायरिंग अवेलेबल है। अभी देखिए ये जो 4 पॉइंट का जो तार है वो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह जोड़ना होगा मेरे को, क्योंकि इस तरह मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि जो ब्लैक कलर का तार था वो GND को जोड़ देना था मेरे को। मैंने इसलिए इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का जो तार था मेरे को GND को जोड़ देना था। अभी यहाँ पे हमारा ग्रीन जो हो गया वो हो गया VCC और ये हो गया GND। तो चलिए अभी दूसरा, अभी रिले मॉडल के ऊपर यहाँ पे 3 पॉइंट दिखे हैं। तो चलिए अभी रिले मॉडल के ऊपर 3 पॉइंट है, एक VCC, एक इन का और एक GND का। चलिए अभी इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, GND मैंने ग्रीन वाला यूज़ किया है। तो चलिए अभी ये दो पिन कनेक्ट करने के बाद इससे ये हो पाया है कि यहाँ पर देखिए मैंने अभी क्या किया कि ये जो दो तार आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि ये 5 वोल्ट का हम इसको करंट देंगे तो ये दोनों को भी चला जाएगा, यानी कि इसको भी GND और VCC चला जाएगा और इसको भी GND VCC चला जाएगा। जो कि हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर आप कहीं से भी अगर आपको 5 वोल्ट दिखे तो वहाँ से ले लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तार जो है हमारा रेड कलर का जो तार है, एक ब्लैक कलर का तार है और एक रेड कलर का है। तो मैं रेड कलर का ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट के ऊपर जोड़ देना है यहाँ पर, तो इसको 5 वोल्ट दे दीजिए। और यहाँ पे GND आपको 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको GND 2 दिख रहे हैं, तो इसमें किसी से भी एक को एक GND जोड़ लो। तो हो सके तो आप यहाँ पर जोड़ लो, एक 5 वोल्ट और एक GND। तो हम दोनों को भी इसको कनेक्ट कर लेंगे तो हमें ये दोनों भी 5 वोल्ट चला जाएगा। और ये दो तार जोड़ने के बाद हमारे पास बच जाते हैं 3 तार। ये जो 3 तार हैं, एक है रिले मॉड्यूल का सिग्नल का और दूसरा है ट्रिगर और इको पिन का। वो कहाँ पे जोड़ना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि दोनों को भी GND और GND सही से जा रहा है क्या नहीं। तो इसको ये ब्लैक वाला GND सही से जा चुका है और ये जो है ग्रीन वाला ये भी GND सही से जा चुका है। तो हमारा ये जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है। अभी मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। तो चलिए अभी ये GND ये जो है GND की जगह पे जोड़ लेते हैं और दूसरा जो है 5 वोल्ट की जगह पे जोड़ लेते हैं। अभी 5 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे पावर का जो है यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर पे है, 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पे ये 5 वोल्ट का पॉइंट है। एक यहाँ से देखेंगे हम 1, 2, 3 और 4, तो चौथे नंबर पर यहाँ पे 5 वोल्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो 5 वोल्ट को कनेक्ट किया। अभी जो GND जो है हमारा दूसरे नंबर पर भी है और तीसरे नंबर पर भी है, तो मैं 5 वोल्ट जहाँ पे जोड़ा तो उसके साइड में ही GND जोड़ दूंगा ये वाला। तो चलिए हमने इन दोनों रिले मॉड्यूल को और अल्ट्रासोनिक को दोनों को भी 5-5 वोल्ट तो दे दिया। अभी बचे हैं हमारे पास ये 3 तार। तो सबसे पहले मैं इस रिले के जो है पीली कलर की तार उसकी वाट लगाता हूँ। ये कौन सा है, हमने अभी VCC दिया और GND भी दिया। अभी बच जाता है हमारे इन का तार, बीच में का जो तार है ये वाला इन, तो इसको जोड़ देना है आपके आर्डिनो बोर्ड के 12 नंबर पिन से। तो 12 नंबर पिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इस 12 नंबर पिन से आपको जोड़ देना है ये पीला वाला तार जो कि रिले मॉड्यूल का है। तो अभी इसको कनेक्ट कर लिया हमने 12 नंबर पिन से। अभी हमारे पास बचे हैं अल्ट्रासोनिक की सिर्फ 2 तार, एक है इको और एक है ट्रिगर। वो कहाँ पे जोड़ना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिले मॉड्यूल की, रिले मॉड्यूल को VCC दे दिया, ग्राउंड दे दिया और जो इन पिन था वो आर्डिनो बोर्ड के 12 नंबर पिन से भी जोड़ दिया। तो ये तो काम खत्म हो गया।
अभी बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की, तो VCC जो है उसको प्लस दे दिया और ग्राउंड का जो है उसको भी 5 वोल्ट नेगेटिव दे दिया। अभी जो हमारे ये जो दो तार हैं इसमें से एक है इको पिन और एक है ट्रिगर पिन। जो हमारा इको पिन है वो जोड़ देना है हमें 8 में, तो मैं इको पिन देख लेता हूँ कहाँ पे है, कौन सा इको पिन है इसके अंदर का। तो ये जो चॉकलेटी कलर का जो तार है वो है इको पिन, तो इको पिन को जोड़ देना है 8 नंबर से। तो 8 नंबर यहीं पर है क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, फिर भी आपको कुछ इस तरह दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 8 लिखा है तो वहाँ पे जोड़ देना है हमें इको पिन को। तो ये इको पिन का जो है मैं यहाँ पे 8 नंबर पे जोड़ देता हूँ। तो चलिए 8 नंबर पिन से जोड़ दिया और हमारा बचा हुआ एक ही है ट्रिगर पिन। ट्रिगर पिन जोड़ देना है 9 से। अभी हमारे पास एक ही तार बचा है जो कि ट्रिगर पिन का ही होगा क्योंकि एक ही हमारे पास ट्रिगर पिन का है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बिठा लेता हूँ मैं। सॉरी इसको नहीं बिठाना था, ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया इको पिन और ये इको पिन जोड़ दिया। अभी ये जो ट्रिगर पिन है वो जोड़ देना है 9 के अंदर। और ये सारे तार जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान दें कि ये जो तार हैं हमारे जो पॉइंट है एक में को कनेक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी हमने दोनों को दे दिया 5 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ दिया। जो हमारा रिले मॉड्यूल का इन पिन था वो जोड़ दिया 12 नंबर पिन से, यानी कि 12 नंबर पिन से। जो हमारा इको पिन था वो जोड़ दिया 8 नंबर से और जो ट्रिगर पिन था वो जोड़ दिया 9 नंबर से। तो चलिए ऑन करके देखते हैं और उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा कनेक्शन कहीं एक तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है एक होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसको मैं फिर से एक बार ठीक करूँगा ताकि आपको दिखाने के चक्कर में मैं ठीक से नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए अभी दोस्तों पूरा वायरिंग कंप्लीट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको ठीक से तार जोड़ने हैं। तो इन दो जो तार हैं वो एक नहीं होने चाहिए, आपको अच्छे तरह से गैप दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से इसको अच्छा कर लो और अभी देखते हैं। बात आती है टेस्टिंग की, तो मैं टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। ओके, और ये वाला जो पिन है मेरे पास का, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक USB मेरे पास चार्जर है, मैं चार्जर को जोड़ के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसको देता हूँ मैं सप्लाई यहाँ से, तो ये दे दिया हमने सप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिले मॉड्यूल जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आगे। तो अभी देखिए मैं जैसे ही हाथ अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास लाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक रिले ऑन हो जाएगा। देखिए यानी कि हमारा जो कोडिंग है वो अच्छी तरह से अपलोड हो चुका है और काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। अभी देखिए मैं जैसे हाथ सामने लाऊंगा उसी तरह ये रिले मॉड्यूल एक्टिवेट हो रहा है। तो इसी से आप यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आप कोई DC मोटर जोड़ सकते हो या फिर आपको कुछ भी जोड़ सकते हो। आप यहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे मैं हाथ सामने लाऊं उसी तरह आपकी DC मोटर ऑन हो जाए, तो आपको जोड़ देना यहाँ पे ENO पॉइंट को। ठीक है, अगर आप NC पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये उल्टा काम करेगा। तो चलिए अभी ये तो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ही हाथ में सामने लाऊंगा वैसे रिले एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी कागज ले जाके देखते हैं हम। ओके, एक पे हाथ रखेंगे तो नहीं होगा, दोनों पे हाथ रखेंगे तो होगा। चलिए दोस्तों अभी ये तो बात हो गई कि हम जैसे ही हाथ अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने लाएंगे उसी तरह हमारा रिले मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ इस तरह करना है कि पहले से हमें रिले ऑन चाहिए और जैसे ही हम सामने ले जाएंगे तो वैसे ये क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। यानी कि हमें इसका उल्टा करना है, इसकी विपरीत दिशा में कर देना है। अभी वो कैसे करते हैं वो भी, इसकी भी थोड़ी सी मैं नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपको दे देता हूँ। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं हाथ सामने ले आऊँगा उसी तरह रिले एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही हाथ निकालूंगा उसी तरह रिले डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम कुछ इस तरह करेंगे, जैसे ही मैं इसे अल्ट्रासोनिक सेंसर सामने हाथ डालूंगा उसी तरह हमारा रिले ऑफ हो जाएगा और जिस तरह हाथ निकालूंगा उसी तरह रिले ऑन हो जाएगा, यानी कि इसके उल्टा काम करेगा।
वो अभी कैसे करना है आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा दिखाऊंगा। करने के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कौन सा भी कोड आ जाए, आपके हिसाब से आपको हमेशा कोड चेंज करना होगा आपके काम के हिसाब से। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक जो केबल है आर्डिनो को जोड़ देता हूँ और दूसरा जो केबल का टोक है ये मैं मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के अंदर जोड़ देता हूँ। और अभी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा आपको, आपने रिले मॉड्यूल और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो जोड़ा है आर्डिनो बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव तार में से कोई तो एक तार हटाना होगा, क्योंकि आपको आर्डिनो बोर्ड के ऊपर कोई लोड नहीं देना है जब आप प्रोग्राम अपलोड करते हैं तब। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आपको वही काम करना है, जाना है आपके आर्डिनो ड्रॉइड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो पहले से मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है, तो हमारा यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि पहले आप प्रोग्राम कैसे अपलोड करेंगे। अभी इसके हमें उल्टा करना है, यानी कि अलग से करना है, जैसे पहले हम हाथ सामने लाते थे तब रिले एक्टिवेट हो जाता था, अभी हम ऐसा करेंगे हाथ सामने लाने के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा रिले। तो चलिए मैं इसको ऐसे स्क्रोल करते करते नीचे तक जाऊँगा, एकदम से नीचे चल जाना, फिर स्क्रॉल करते करते ऊपर आना, ये कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं सबसे नीचे वाला आपको मैं बता रहा हूँ कि नीचे से कितना दूर है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक लो और एक हाई का। तो हाई कैसे लिखा है उन्हें, HIGH ऐसे लिखा है, और लो येलो WD का है। तो यहाँ पे आपको हाई की जगह पे लो कर देना है, लो की जगह पे हाई लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लो की जगह पे हाई लिख देता हूँ। हाँ लो था, यहाँ पे हाई लिखूंगा। HIGH और यहाँ पे हाई के जगह पे लिखूंगा मैं लो। बस आपको इतना ही चेंज करना है, तो पहले जैसा काम करता था वैसे नहीं करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लो, सॉरी ली हो गया क्या, लो। ठीक है, तो अभी आपको प्रोग्राम सब अपलोड नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको कंपाइलेशन करना है, यानी कि प्रोग्राम सही है कि नहीं उसको चेक करना है। तो मैं कंपाइलेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे सेव करूँगा क्या पूछ रहा है, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो कंपाइलेशन कर रहा है अभी, जो कि कंपाइलेशन फिनिश बोल रहा है, यानी कि हमारा जो अभी हमने चेंजेस किया बिल्कुल सही है, तो ये काम कर सकता है हमारे बोर्ड के लिए। तो चलिए बाद में डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, जल्दी से अपलोड नहीं हो रहा, तो फिर से एक बार पिन वगैरह चेक कीजिए और आर्डिनो बोर्ड के ऊपर जो भी कुछ लोड है उसको हटा दीजिए। तो चलिए अभी फिर से एक बार ट्राई करते रहेंगे जब तक नहीं होता तब तक। देखिए 2-3 बार करने के बाद एक बार अपलोड हो चुका, स्केच अपलोड बोल के एक मैसेज आ चुका है। तो चलिए अभी हमने एक तार को हटा दिया था, उसको जोड़ के अभी देख लेते हैं कि उसकी विपरीत दिशा में ये काम करता है क्या नहीं। तो देखिए जब मैं इस कोड अपलोड कर रहा था अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर का एक जो तार है वो निकाल दी थी, यानी कि इसका जो सप्लाई था दोनों का बंद कर दिया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे आर्डिनो बोर्ड के ऊपर लोड होने की वजह से ये काम नहीं करता है। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं ये जो पिन्स हैं इसको निकाल देता हूँ, ताकि इसका जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ से भी पावर दे सकते हैं, तो इसको निकालता हूँ और मैं फिर से वो ब्लैक वाला तार जोड़ देता हूँ। तो हमने ये ब्लैक वाला तो तार जोड़ दिया है, फिर से एक बार कंफर्म कर लो हमारा तार कहीं चिपकना नहीं चाहिए। ओके, तो सभी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, तो अभी दे लेते हैं मैं पावर इसको। आप 9 वोल्ट से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 9 वोल्ट का भी है, सॉरी यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंडिकेटर जल चुका है, तो अभी ये जो है विपरीत काम करेगा। देखिए अभी पहले ही रिले एक्टिवेट है, और जैसे ही मैं हाथ सामने ले जाऊँगा वैसे ही रिले ऑफ हो जाएगा। देखिए हाँ, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे काम का नहीं है, आप अपने काम के मुताबिक इसको कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैंने बता दिया। पहले क्या होता था कि हमारा रिले ऑफ होता था, जब मैं हाथ सामने ले जाऊँ तब ऑन होता था, और जैसे ही हाथ हटाता हूँ तो ऐसे ऑफ हो जाता था। लेकिन अभी हमने कुछ इस तरह कर दिया है इसको कि अभी ये पहले से ऑन रहेगा, और जैसे ही हाथ ले जाएंगे वैसे ये ऑफ हो जाएगा, और बाद में निकालेंगे तो ऑन हो जाएगा। क्या कहा मेरे को भी नहीं समझ में आ गया,
बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसके अंदर, लेकिन यही समझ लो अगर हाथ ले जाने से आपको रिले को ऑफ कर देना है तो आपको ये वाला प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके अंदर अपलोड करना होगा। और आपको ऐसा करना है कि हाथ सामने ले जाने से रिले एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तो उसका पहला वाला प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अभी ये इस प्रोग्राम को फिर से एक बार हटाऊंगा, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा रिले हमेशा एक्टिवेट हो जाए, मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ कि मैं जैसे हाथ सामने ले जाऊँ तो मेरा रिले एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बार बार मतलब ऑन नहीं रखना चाहता इसको। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का आर्डिनो बोर्ड, रिले मॉड्यूल और अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उन सारे पार्ट की जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। अब आपको यहाँ पे अगर पार्ट 3 दिख रहा होगा तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि उस पार्ट 3 के अंदर हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे।